नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लीनियर यानी कि लाइन एनिमेशन की। और सर्किल एनिमेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, लाइन एनिमेशन कैसे करना है बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग शेप्स में आइए, और शेप्स में आने के बाद आप लोग देखिए रेक्टेंगल जो शेप है उसको सेलेक्ट कीजिए। ये शेप हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, और अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देंगे, थोड़ा छोटा सा कर देंगे, और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। अब ये देखिए कि कितने टाइम फ्रेम के आप लोगों को करनी है। तो जैसे कि 10 सेकंड के हम लोगों को करनी है, तो हम लोग 10 सेकंड तक इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, और इसका कलर हम लोग ग्रीन कलर कर लेते हैं। उप्स, आउटलाइनिंग हम लोगों ने ग्रीन कलर की है, तो इसका कलर भी हम लोग कैसे कर लेते हैं, ग्रीन कलर का हम लोग कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। अब हम लोग इसमें एनिमेशन लगाएंगे, तो शिफ्ट और ए जो की है कीबोर्ड की, वो आप लोग यूज करें। इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट ए की आप लोग यूज कीजिए। शिफ्ट ए की यूज करेंगे तो देखिए यहां पर आप लोगों के पास एनिमेशन ऐड हो चुका है। तो हम लोग कंट्रोल जेड कर देंगे, हम लोगों को यहाँ पर एनिमेशन नहीं चाहिए, सेंटर में हम लोगों को एनिमेशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो मार्कर है उसको हम लोग सेंटर पर लाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब यह देखिए डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है एनिमेशन ऐड कर देंगे। एनिमेशन ऐड करने के लिए दोबारा से शिफ्ट ए दबाइए, तो ये इस प्रकार का जो ट्राइंगल है आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको यहाँ तक स्क्वीज कर दीजिए, और यहाँ तक आप लोग इसमें यहाँ तक बढ़ा दीजिए। तो एनिमेशन आप लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप लोग क्या करें, इसको लीनियर फॉर्म में आप लोग लीजिए, तो राइट क्लिक आप लोग कीजिए, और एनेबल ईजिंग का जो ऑप्शन है उसे आप लोग करके आप लोग लीनियर जो है आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है इस बार को छोटा करें, और यहां पर स्टार्ट में आप लोग ले आए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग जब इसको रन करके देखेंगे, तो ये बार जो है इस प्रकार आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत ही आसान सा एक एनिमेशन आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोगों को कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग इसको बॉक्स में डाल दें, इतने से डिब्बे को हम लोग एक बॉक्स में डाल दें, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, आउटलाइनिंग जो है इसकी वाइट कलर की है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर ये एनिमेशन जो है वो रख देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद में मैं उप्स एनिमेशन लगा दिया मैंने, और मैं इस चीज़ को यहाँ से रख कर यहाँ तक जो है वो ला देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कुछ डिफरेंट सा आप लोगों को दिखाई देगा एनिमेशन। और ये वाली जो ग्रीन बार है, मैं ग्रीन जो बार है इसको कहाँ पर रख देता हूँ, इसके अंदर जो है रख देता हूँ, उसकी लाइनिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो शेप है मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक और स्क्वीज कर देते हैं थोड़ा सा छोटा सा। ठीक है, अब आप लोगों का एनिमेशन जो है वो कुछ इस प्रकार आप लोगों को नजर आएगा। देखिए ये देखिए बड़ा हुआ नजर आएगा एक पूरी बार, और इस टाइप का नजर जो है आप लोगों को एनिमेशन आएगा। तो इस प्रकार के एनिमेशंस भी आप लोग अपने उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग टूल सीखना है, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी फिड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स फ्री में मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।